आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। तो नो, इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184 186 199 I hear you. ab unhone apna toba jo memes banenge yaar ma aap kehte hain na, aap ungli dete hain wo pura। So no, in English I am not talking। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184 186 199 आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यार मां। वन 186 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पर बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का जो केस पे कंसेंसस नहीं बना, कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए, ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का। और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से। मगर ये काम अगर होता भी है, हम चाहेंगे कि सारे हाई कोर्ट बार्स और सारे हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड करके ये काम करें। मैं समझता हूँ ज़रूरी है, बट अभी तक उस पर ऊपर कंसेंसस नहीं बना। एक पॉइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि नया कोर्ट्स में जो है ये पावर वापस सियासतदान के पास जा रहे हैं जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करने का। और ये जुडिशरी का आज़ादी कैसा होगा? मैं अब रिपीट करना चाह रहा हूं कि दुनिया भर में आपके ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां सियासतदान, चाहे वो लेजिस्लेटर में हो या वो जिस भी शक्ल में, ये फैसले करते हैं। और आपके मुल्क में भी आपको पता है कि ये काम कब सियासतदानों से, कब वज़ीर आज़म से लेके चीफ जस्टिस की जेब में डाला गया। क्या वो किसी आमिर का दौर में था? नहीं, आमिर को इजाजत बनाए जज सोबिस मिला। क्या ये इख्तियार लिया गया किसी आमिर की प्रॉक्सी हुकूमत के थ्रू? नहीं, उनको भी सब बिस्मिल्लाह बनाए जज, बनाए जज। जब बेचारी शहीद मोहतरमा बहनजी भुट्टो को आखिरकार मौका मिली 93 से 96 की हुकूमत का, फिर जजेस केस का फैसला आया और ये जो इख्तियार था वो वजीर आजम का नहीं, वहां हमारा अदालत का। तो जहां तक मैं समझता हूं ये फैसला अवाम का फैसला होना चाहिए, और अवाम का फैसला अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी जुडिशल कमेटी के थ्रू और पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एक्सरसाइज होना चाहिए। या अगर हम चाहे कि हम रियल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस जाए, 1996 से पहले जाए, तो क्या हर्ज है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये प्रपोजल दे कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी? मैं समझता हूं कि आइन, जमहूरियत और आपकी अपनी प्रेसिडेंट के मुताबिक ये सारी चीजें मौजूद है। एक चीज हमें 100% मालूम है, नजर आ रहा है, कब से काम नहीं कर रहा, कि ये जजेस, बाय द जजेस और ऑफ द जजेस तो नहीं चलेगा। मैं आपकी तरह मानता हूं कि चाहे चले, एक तो जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, we should go back to what we sort of proposed with the 18th amendment, with the judges committee and the parliamentary committee merging and making decisions amongst themselves. I think along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus they reach, or whatever decision they reach. So bismillah. तो वो है हमारा प्रपोजल। मगर ये बात कहना कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कहाँ जाएगा जब पार्लियामान ये फैसला करेगा, जब आपके मुंतखिब नुमाइंदे ये फैसले करेंगे, जब अवाम ये फैसला करेगा, उस पे I respectfully disagree. Now, I have been told that would be the last question. Or I would love to have more than one, and if chairman has the time. लेकिन एक सवाल मेरा ख्याल है सर, लेडीज का होना चाहिए। Chairman Bilawal Bhutto Zardari sahab himself said that one question should be from ladies, and then one question from Ghulam Asghar Patan. So I would request for an additional question. Okay. आप भी दो कर ली जल्दी फिर मैं, और भी काम है आज। जबकि इस सवाल का जवाब भी यही होना चाहिए कि जुडिशल रिफॉर्म और आईनी अदालत, हमारा जहाँ तक कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, हम सब जिस शहर कराची में रहते हैं और वो मसले भुगतते हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर बाद एक मौका अब नज़र आ रहा है, और मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुरवाना है, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो, और कराची के अवाम को बिजली फराहम करो, और फिर आप फ्री मार्केट का ज़रा कंपटीशन करें इसके इलेक्ट्रिक को, जिसको आपने मोनोपोली दिलवाया है हमारा कराची में। और ना उनका anyway, I don't want to get into too much of what's wrong. मसला है हाल मैंने बताया। आखिरी सवाल आपने किसी से। Okay. Sorry, this is the last question for the day, and anyone? Yes, Mr. Asghar Patan, you may ask, please. आई थिंक आपका आप एक ही क्वेश्चन में ले सकोगे भाई। ओके या ओके या श्योर फेयर इनफ। लेट मी आंसर योर क्वेश्चंस। तो जहाँ तक आप डेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो 18वीं तरमीम में हमने सूबे में बैलेंस बनाया और वफाक में बैलेंस बनाया, वो इस तरीके से कि ना सिर्फ हमने खुद मुख्तारी दी, मगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें आपका वफाकी पार्लियामान का जो नुमाइंदगी करता है इदारा, वो आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। चारों सूबों का इक्वल नुमाइंदगी है। तो उसी बेसिस पे पीपल्स पार्टी का तो प्रपोजल ये है कि वफाक में भी आईनी अदालत हो, और हम ये भी चाहते हैं कि आज अगर मुमकिन कंसेंसस पर न कल हम सूबाई लेवल पे भी सूबाई आईनी अदालत बनाएं, और 199 को भी इन दोनों के दरमियान में स्विच करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप मैंने किसी ने किसी को कायल किया है आईनी अदालत पे। एक मिनट, हमारे काजी मोहम्मद, मैं आखिर में काजी मोहम्मद बशीर साहब जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम के, उनको बुलाऊंगा कि वो आए और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, निसार खोड़ो साहब, लॉ मिनिस्टर रियाज अंजार साहब, मुर्तजा वाब साहब, वकार मेदी साहब, और मेरे सामने सारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कराची बार, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। चेयरमैन साहब, आपने आज अपने घर से इब्तदा किया कराची से, पूरे पाकिस्तान में ये सिंध के दायर आपके साथ खड़े हैं कंस्टिट्यूशन में, और आप सबका शुक्रिया। इसके बाद लंच